हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। कि लिस्ट को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं कि एक हमारे पास लिस्ट है, उसमें हमने सॉर्ट फंक्शन को अप्लाई किया है और वापस से प्रिंट करते हैं तो ये लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आते हैं हम अपने कोड एडिटर में और देखते हैं, इसको रन करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसे। ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर लिस्ट की एक फाइल है। ठीक है, पुराने कोड को अभी बंद कर देंगे और इसे भी बंद कर देते हैं दोनों को। ये हमारे पास एक लिस्ट वन है। ठीक है, लिस्ट वन का एक वेरिएबल है जिसमें हमने कुछ आइटम को सेट किया हुआ है। अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, लिस्ट वन को प्रिंट कर लिया और इसे हम रन भी करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये लिस्ट है इसको हमें सॉर्ट करना है। तो लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, ठीक है, ये फंक्शन हमने यूज़ कर लिया और दोबारा इसे प्रिंट कर दिया। अब आते हैं, फिर से रन करेंगे तो ये सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले बी आएगा फिर के, मतलब ए बी सी डी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में चालू हो जाएगा ये। ठीक है, अगर इसमें हम रिवर्स ट्रू कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कि जेड वाई एक्स उस तरफ से चलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट में और बना लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर हैं 15, 20, 88, 23, 20, 6, 9, ये मेरे पास कुछ इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब मुझे इसे सॉर्ट करना है। पहले तो हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, लिस्ट टू को चेक कर लेते हैं, जिस तरह से हमने बनाई है लिस्ट उसी तरह से प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हम इसे सॉर्ट कर देते हैं, मतलब कि छोटे से बड़ा। ठीक है, और प्रिंट करते हैं, रन करेंगे, ये छोटे से बड़े के क्रम में सेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ये है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर लिस्ट टू डॉट सॉर्ट रिवर्स, मतलब उल्टा, असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग, ट्रू, तो ये हमारा है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसे रन करते हैं तो पहले सबसे बड़ी जो इंटीजर नंबर है वो आएगा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट को सॉर्ट करने का तरीका। ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, दोनों में हमने देख लिया। अगली स्लाइड में आते हैं कॉपी लिस्ट। ठीक है, इसको कमेंट बना देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा, न्यू लिस्ट का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लिखा लिस्ट वन डॉट कॉपी, कॉपी फंक्शन है, और प्रिंट कर देता हूँ मैं। पहले तो मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट वन को कि लिस्ट वन में जो भी हो वो प्रिंट हो जाए, फिर मैं प्रिंट करता हूँ न्यू लिस्ट को, क्योंकि अभी हमने कॉपी करी है तो न्यू लिस्ट भी हम प्रिंट करवा रहे हैं। दोनों में सेम डेटा आ रहा है क्योंकि जो हमारी लिस्ट वन है वो कॉपी हो चुकी है न्यू लिस्ट वेरिएबल के अंदर। तो न्यू लिस्ट वेरिएबल में
ये वाली लिस्ट कॉपी हो गई, ठीक है। तो ये था कॉपी फंक्शन। इसी तरह से जैसे लिस्ट टू का कॉपी करना है, न्यू लिस्ट टू, लिस्ट टू डॉट कॉपी, और इसे प्रिंट कर लेते हैं न्यू लिस्ट टू, ठीक है। इन दोनों को कमेंट करेंगे और रन करते हैं, ठीक है। तो ये न्यू लिस्ट के अंदर हमारे पास, न्यू लिस्ट टू के अंदर हमारे पास ये कॉपी होके आ गया जो हमारा इंटीजर का लिस्ट था, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सॉर्टिंग देख लिया कि लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं और लिस्ट की कॉपी कैसे बनाते हैं। तो ये लिस्टिंग का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।